कुत्ते वो साथी हैं जो कभी अपने मालिक का साथ नहीं छोड़ते, इसलिए उन्हें वफादार कहा जाता है। ये अपनी हरकतों से किसी के भी मूड को ठीक कर सकते हैं। जब घर में कुत्ते हों तो वो पूरे दिन आपका मनोरंजन करते हैं और आपके लिए थेरेपी का काम करते हैं। तो अगर आप भी अपने घर में कुत्ता पालने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, जिसमें हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी नस्लों के बारे में जो बहुत क्यूट है। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। पोमेरेनियन। इस नस्ल को दुनिया भर में मशहूर करने का श्रेय महारानी विक्टोरिया को जाता है। ये काफी दोस्ताना स्वभाव के होते हैं और परिवार के साथ बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं। बिना ट्रेनिंग के ये अपनी मनमानी करते हैं। इन्हें ठंड ज्यादा पसंद होती है। ये काफी बुद्धिमान और सतर्क रहते हैं। किसी संदिग्ध को देखकर ये तुरंत भौंकना शुरू कर देते हैं। इनका स्वभाव काफी चुलबुला होता है। माल्टीज। ये काफी भरोसेमंद, बुद्धिमान और एनर्जेटिक डॉग है। ये दूसरे जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। अगर इन्हें अच्छे से ट्रेन ना किया जाए तो ये काफी ज्यादा भौंकते हैं। ये चीजों को चबाकर खराब करने में बिल्कुल नहीं घबराते, पर जो भी हो ये देखने में बहुत ही ज्यादा क्यूट होते हैं। इनके दांतों की केयर करने की जरूरत होती है। पूडल। ये शानदार स्विमर है। ये गर्म और ठंडे दोनों तरह के मौसम में रह सकते हैं। इन्हें उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन माना जाता है जिन लोगों को कुत्तों से एलर्जी होती है, क्योंकि इनके साथ ऐसा कुछ नहीं होता। इनमें सिंगल कोट पाया जाता है। इनके बाल काफी रूखे, घने और घुंघराले होते हैं, जिन्हें मनचाहा आकार देकर ट्रिम किया जा सकता है। चिहुआहुआ। आकार में छोटा और सुंदर होने की वजह से ये काफी पॉपुलर है। खासकर महिलाएं इन्हें ज्यादा पसंद करती हैं। इनका स्वभाव इस बात पर निर्भर करता है कि इसके मालिक ने इसे किस तरह से पाला है। ये अपनी नस्ल के कुत्तों के साथ रहना ज्यादा पसंद करते हैं। इन्हें ज्यादा खाना खिलाना इनके लिए हानिकारक हो सकता है। इन्हें डायबिटीज जैसी बीमारियां होने का खतरा बना रहता है। पैपिलॉन। इनकी पहचान होती है इनके तितली जैसे कानों से। इनके कानों पर लंबे बाल होते हैं जो इन्हें काफी क्यूट लुक देते हैं। ये काफी कॉन्फिडेंट होते हैं और चीजों को बहुत जल्दी सीख लेते हैं। ये सबके साथ मिलनसार होते हैं पर अजनबियों से डरते हैं। ये अपने मालिक के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं। इनका एनर्जी लेवल काफी हाई होता है, इसलिए इन्हें बहुत ज्यादा खेलना पसंद है। इनमें हेल्थ प्रॉब्लम्स काफी कम होती हैं। यॉर्कशायर टेरियर। ये आकार में काफी छोटे होते हैं लेकिन हमेशा उत्साहित रहते हैं। ये अपने मालिक के साथ काफी दोस्ताना स्वभाव रखते हैं। इन्हें थोड़ी देखभाल की जरूरत होती है, खासकर इनके दांतों की थोड़ी ज्यादा केयर करनी पड़ती है। ये अपने परिवार, दूसरे कुत्तों और अजनबियों के साथ अच्छा व्यवहार रखते हैं। ये ठंडे और गर्म दोनों मौसम में रह सकते हैं। कैवेलियर किंग चार्ल्स स्पैनियल। दोस्ताना स्वभाव रखने वाले ये कुत्ते देखने में किसी खिलौने की तरह लगते हैं। ये अजनबियों और बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार रखते हैं। ये एक नेचुरल एथलीट है जिन्हें खेलना बहुत पसंद होता है। ये ब्रिटेन के शाही परिवार की पसंद है। ये तैरना भी काफी पसंद करते हैं। ये काफी शांत होते हैं पर ऊर्जा से भरपूर होते हैं। ये ज्यादा भौंकना पसंद नहीं करते। पग। दुनिया के सबसे खूबसूरत कुत्तों की बात हो रही हो और पग का नाम ना आए तो ऐसा तो नहीं हो सकता। ये काफी क्यूट और इंटेलिजेंट होते हैं। ये काफी शांत रहते हैं। इन्हें जल्दी से गुस्सा नहीं आता। ये अपने मालिक की भावनाओं को समझते हैं और उनका साथ देते हैं। इन्हें बच्चों के साथ खेलने में कोई परेशानी नहीं होती। अफगान हाउंड। ये एक एथलीट है जिन्हें दौड़ना पसंद होता है। ये काफी तेज होते हैं। ये अपनी सुंदरता से किसी का भी दिल जीत सकते हैं। इनका कोट काफी मोटा और रेशमी होता है। ये पहाड़ों वाले कठोर जलवायु में इनकी सुरक्षा करता है। समोयर। इनका कोट मोटा और सफेद होता है जो इन्हें आकर्षक लुक देता है। सुरक्षा के मामले में ये काफी पीछे है। अजनबियों के साथ ये काफी मिलनसार होते हैं। ये चतुर और शरारती किस्म के हैं। जब ये बोर होते हैं तो या तो भोंकते हैं या फिर मिट्टी खोदना शुरू कर देते हैं। ये काफी जिद्दी होते हैं। इन्हें बच्चों के साथ खेलना और समय बिताना बहुत पसंद होता है। ये अपनी चीजों को दूसरों के साथ शेयर भी करते हैं। डालमेशियन। शुरुआत में ये शिकार और सुरक्षा का काम करते थे, पर अब लोग इन्हें शौकिया तौर पर पालते हैं। ये काफी खुश और तंदुरुस्त नस्ल है जिसे दौड़ने के साथ साथ कलाबाजियां करना पसंद है। ये छोटे बच्चों के साथ बहुत खुश रहते हैं, साथ ही ये घर की सुरक्षा करने में भी अव्वल नंबर पर हैं। शार्पे। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने टॉवल को इकट्ठा करके रख दिया हो।
इस नस्ल की कई खासियत है। इनकी जीभ का रंग और कुत्तों की तरह पिंक ना होकर ब्लू ब्लैक होता है। साथ ही जब कोई दूसरा कुत्ता इन पर हमला करता है तो इनकी स्किन से उनके मुंह में एक अजीब सी सेंसेशन होती है जो उनकी पकड़ को कमजोर कर देती है। जैक रसेल टेरियर, ये 5 फीट ऊंची छलांग लगा सकते हैं। इन्हें मिट्टी खोदना बहुत पसंद होता है, साथ ही इन्हें ट्रेन करना काफी आसान है। ये काफी तेज दिमाग के होते हैं। ये घर के अंदर काफी शांत रहते हैं और कम भौंकते हैं। इन्हें हर वक्त व्यस्त रहना पसंद होता है, लेकिन घर के बाहर ये काफी ज्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं। इन्हें अकेला रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शिबा इनू, ये निडर और आत्मविश्वासी नस्ल है। ये ठंडे और गर्म दोनों मौसम में रह सकते हैं। ये हर समय सतर्क रहते हैं। रोमांच के लिए ये हमेशा तैयार होते हैं। ये एक ऐसी नस्ल है जिसे रोज नहलाने की जरूरत नहीं होती। दरअसल इनमें से गंध बिल्कुल नहीं आती, साथ ही इन्हें रोज नहलाना हानिकारक हो सकता है। अजनबियों के साथ ये जल्दी से घुलते मिलते भी नहीं है। आयरिश सेटर, ये काफी शैतान होते हैं जिन्हें दौड़ना और खेलना बहुत पसंद होता है। ये काफी एनर्जेटिक होते हैं और ये आराम कम करते हैं। इनका कोट काफी सुंदर और रेशमी होता है। ये अजनबियों और दूसरे जानवरों के साथ भी अच्छा व्यवहार रखते हैं। गोल्डन रिट्रीवर, फैमिली डॉग के रूप में ये पूरी दुनिया में पॉपुलर है। ये अपने आकर्षक और खूबसूरत रंग रूप से किसी को भी आकर्षित कर लेते हैं। ये अपने मालिक की आज्ञा का पूरी तरह से पालन करते हैं। ये काफी टैलेंटेड होते हैं, इसलिए इन्हें ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती। ये दूसरों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अलग अलग क्रियाएं करते रहते हैं। इन्हें अपने मालिक के साथ घर में रहना पसंद होता है। ये बच्चों और खिलौनों के साथ खेलने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित रहते हैं। बीगल, ये देखने में लोमड़ी जैसा होता है। ये बच्चों के लिए एक अच्छे साथी के रूप में जाना जाता है। ये काफी चंचल और मनोरंजक होते हैं। ये अपने मालिक के लिए पूरी तरह से वफादार होते हैं। ये थोड़े जिद्दी होते हैं, इसलिए इन्हें ट्रेनिंग की जरूरत होती है। अकेले रहने पर ये भौंकते हैं और घर की चीजों को भी तोड़ना शुरू कर देते हैं। सालुकी, ये ऐसी नस्ल है जो टीवी देखने के बजाय घूमना और दौड़ना पसंद करती है। ये काफी ताकत से भरे रहते हैं। ये काफी समझदार, सुंदर और फुर्तीले होते हैं। ये आरामदायक जगह पर रहना पसंद करते हैं। ये धूप सेकते हुए अकेले समय बिताना भी काफी पसंद करते हैं। मालिकों के साथ वफादार और सौम्य व्यवहार रखते हैं। बाहर ले जाते वक्त इनका ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि ये काफी ज्यादा दौड़ते हैं। डैक्सन, ये काफी आकर्षक और चंचल स्वभाव के होते हैं। ये अपने मालिकों के साथ मनमानी करते हैं। ये काफी बुद्धिमान होते हैं और बहुत जल्दी सीखते हैं। अजनबियों को देखकर ये शोर मचाना शुरू कर देते हैं। ये हर वक्त खाने की तलाश में रहते हैं और बहुत जल्दी मोटापे का शिकार हो जाते हैं। मोटापे से बचाने के लिए इन्हें बाहर टहलाने ले जाना पड़ता है। सेंट बर्नार्ड, ये कुत्ते बहुत ज्यादा बुद्धिमान और वफादार होते हैं। ये छोटे बच्चों के साथ ना सिर्फ खेलते हैं बल्कि उनका ध्यान भी रखते हैं। ये बड़े कुत्तों की प्रजाति है। ये ठंड वाली जगहों पर आसानी से रह सकते हैं। इन्हें घर में अकेले रहने में भी कोई परेशानी नहीं होती।